सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई रियली होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइज, आप लोग, वैसे तो मैं सुबह उठ के एकदम से आ जाती कैमरे के आगे, बट आज मैं थोड़ा सा रेडी होकर आई हूँ। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 11:30 और व्लॉग बहुत लेट स्टार्ट हुआ है। तो मैं जा रही हूँ, आज उद्भवी का राइस फिटिंग सेरेमनी है, तो भारती दीदी ने हमें इनवाइट किया है नीचे अपने घर में, और जो पार्टी है मेन वो शाम को होगी, और अभी दीपशिखा दीदी भी आने वाली होंगी। तो बच्चों को तो मैंने रेडी करके भेज दिया है, एंड क्योंकि हम बच्चे मैम बोलने लगे कि हम चले जाते हैं मम्मी पहले ही, तो वो लोग जिद कर रहे थे, मैंने उनको पहले भेज दिया है। तो मैं भी रेडी हो गई हूँ, और राहुल अभी गए हैं ऑफिस अपने काम से, आज संडे है फिर भी वो गए हैं, बट अभी थोड़ी देर में शायद वो भी आ जाएंगे। सो वही है अभी तक का अपडेट, एंड आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो गाइज, वहाँ पर लंच नहीं है, ऐसे हल्का फुल्का सा ऐसे ब्रेकफास्ट जैसा हम लोग कुछ करेंगे, काफ़ी देर हो गया वैसे तो, बट जो भी है वही करेंगे, एंड उसके बाद फिर घर में आके मैं देखती हूँ क्या बनाना है। फिर रात को तो हैवी हो गई होगा, तो एक टाइम थोड़ा हल्का खाने से वो ठीक रहता है। सो ऐसा है, तो अभी देखते हैं, चलते हैं दीदी के यहाँ और करते हैं उद्भवी का राइस फिटिंग सेरेमनी। गिफ्ट मैं लेके आ चुकी थी कल ही जाके मार्केट, तो वो व्लॉग भी आप लोगों ने देखा होगा। सो फ्रेंड्स, आज मैंने ये वाला सूट पहना है, ये इंडोएरा का सूट है, और अनारकली सूट। नीचे मैंने स्लीपर्स पहने अभी, क्योंकि अभी मैंने चेंज नहीं किया और नीचे ही जाना है मुझे वैसे भी। तो ये कैसा लगा आप लोगों को बताना, और ये मेरा ना 2 साल पुराना सूट है, और फिर भी अभी फिट आता है, थोड़ा सा टाइट यहाँ से हो गया है, बट ठीक है। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं वहाँ पे। तो गाइज, देख सकते हैं दीदी ने यहाँ पे कितना अच्छा सजाया है, हालांकि उनके घर पूरा पैक हो चुका है क्योंकि उनको एक दो दिन में निकलना है, बट फिर भी आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सजाया है। विराज, अपना आउटफिट दिखाओ, चलो प्रत्युष दिखाओ, बहुत ही सुंदर। प्रत्युष का तो मेरे साथ मैच हो रहा है ना, ब्लू ब्लू। और मेरा, आप रेडी नहीं? उद्भवी रेडी हो गई? ये बैठे हैं प्रत्युष और विराज, और ये है आज की हीरोइन क्यूट उद्भवी। देखो देखो कैसे कैमरे में स्माइल दे रही है। हेलो भातु कंचे बेबी ले, कितनी क्यूट लग रही है। हेलो, हाय करो, हाय करो। विराज की तो बहन है भाई, वो विराज इसको किसी को डांटने भी नहीं देता है। उद्भवी को जब हम डांटी लगाते हैं तो विराज दादा डांटने नहीं देता है ना, ये दीदी देखता। और ये कौन आया है? भाग्य मानी पीहू दीदी, और ये क्यूट सी कुहू। देखो बहनी को, देखो बहनी को, देखो देखो बहनी को। और ये दीदी आ गई है जो हमेशा टाइम से लेट रहती है। अरे क्या करूं, बच्चों को तैयार कर करके परेशान। अरे माँ तैयार नहीं हो रही, माँ तो काम कर करके बुरा हाल है उसका सुबह से। मैं भी तो अभी जस्ट आई थोड़ा देर पहले, आपको ये लेना। हेलो भैया, सब कुछ रेडी हो गया है यहाँ पर, देख सकते हैं कितने सारे पकवान हैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है। उद्भवी के ज्वेलरीज देखो भैया कितने ज्यादा हैं, बाप रे। हजू दीदी, हजू दीदी, दीदी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हमने उद्भवी की राइस फीडिंग सेरेमनी के लिए बहुत सारे पकवान रेडी करे हैं। जैसा कि ऐसा सबके साथ होता होगा, बच्चों को जो जिस दिन राइस फीडिंग कराना होता है, जिस दिन उसका भात खुलाई होता है, हमारे नेपाली में गोरखाली में भात खुलाई बोला जाता है, तो हम लोग नमक वमक सब कुछ टेस्ट कराते हैं बच्चे को। हालांकि सिर्फ टच कराते हैं, मतलब इतना ज़्यादा वो अभी खा भी नहीं पाएगी, छोटी सी तो वो है। दीदी ने यहाँ पे सारा अरेंजमेंट करा था, जैसे कि हम लोगों ने दीदी को गाइड किया, क्योंकि हमारे तो ऑलरेडी दो दो बच्चे हैं, तो दीदी का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो हमने ही दीदी को यहाँ पे गाइड किया सब कुछ। और यहाँ पे उद्भवी के फोटो शूट काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, और दीदी खुद भी बहुत इंटरेस्ट से काम करती है सब कुछ ना, देख सकते हैं। जैसे कि डेकोरेशन, वो पीछे खुद ही उन्होंने हाथ से लिखा है, हाथ से सब कुछ डेकोरेट किया है, तो वही है। तो
ऐसे ही जब हम अपने घर से परिवार से दूर रहते हैं और अपने अपने हस्बैंड के साथ आके ऐसे क्वार्टर्स वगैरह में रहते हैं तो हमारा परिवार यही बन जाता है और आपस में हम लोग ऐसे मिलजुल के रहते हैं। तो दीदी के साथ तो मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है और हम तीनों की भी बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है। हम तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं और मैंने दीदी और दादी को जो है भैया भाभी भी बना के रखा हुआ है। तो खास में मैं बनाना चाह रही थी दीदी और जीजा जी, बट अब भैया भाभी बन गए वो लोग। तो ऐसे धर्म का रिश्ता भी मैंने लगाया हुआ है एंड दीपशिका दीदी भी हमारी काफ़ी अच्छी क्लोज फ्रेंड है। हम तीनों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। तो अभी कुछ टाइम के बाद अब दीदी यहाँ से जाने वाली है तो काफ़ी बुरा भी लग रहा है वीडियो शूट करते टाइम। इवन मुझे एडिटिंग करते टाइम ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि जब दीदी जिस दिन जाएंगी उस दिन मैं इसको एडिट कर रही हूँ और बहुत बुरा लग रहा है मेरे को यहाँ पर बोलते टाइम भी। और बहुत मिस करेंगे हम दीदी को। और देख सकते हैं यहाँ पे उद्भवी कितनी क्यूट लग रही है, येल्लो फ्रॉक उसने पहना है, वो मैंने ही सेलेक्ट करा था। मैंने बोला था दीदी येल्लो पहनाते हैं इसको, तो वही है। तो अभी दिन में लंच भी दीदी ने बोला है हल्का फुल्का हम यहीं पे खा लेंगे क्योंकि जो पार्टी है वो हम बाहर खाने के लिए वो हम शाम को जाएंगे। तो वही है अभी हम उद्भवी को बारी बारी से दीदी और भैया जो है वो बारी बारी से खिलाएंगे, फिर मैं और दीपशिखा दीदी भी यहाँ पे बारी बारी से खिलाएंगे, बच्चे भी खिलाएंगे उद्भवी को। तो सब लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, हम मतलब इसी दिन का हम लोग वेट कर रहे थे कि उद्भवी का कब हम इसको भात खुलाई इसका करेंगे क्योंकि वो जब हम खाते थे ना वैसे उसके मुंह में ना ऐसे पानी जैसा आता था, मतलब देखती थी वो। तो बहुत ही मज़ा आया, हम लोगों ने जो अभी 2-2.5 साल एक साथ गुजारे हैं तो वो पूरी मेमोरी तो मेरी यूट्यूब में सेव है ही बट दिल में भी बहुत है। और दीदी ने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया है, हर चीज़ में मुझे समझाती थी, कहीं भी मैं गलत होती थी ना तो उतना एज डिफरेंस है नहीं बट फिर भी वो बड़ी, अगर मैं उसको दीदी दीदी बोलती हूँ तो बड़े जैसे फील हो जाता है फिर, तो वो दीदी वाली फीलिंग आती थी। तो वही है और हम सब लोग बस ऐसे ही छोटी मोटी पार्टी करते हैं, इंजॉय करते हैं, मज़ा आता है, खूब याद करेंगे हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा। तो दीपिका दीदी और मैं साथ ही साथ निकलने वाले हैं यहाँ से, हम दूसरे स्टेशन जाने वाले हैं बट दीदी जो है वो अब डायरेक्ट घर जाएंगी। तो अभी मैं यहाँ पे उद्भवी को आरती उतारी हूँ, तिलक करूँगी और उसको खीर खिलाऊँगी। तो अभी मेरी बारी है, मैं बुआ हूँ भाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हम लोग एकदम प्रॉपर सब रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, हमने कुछ भी मिस नहीं किया है, सब कुछ हमने बताया दीदी को ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे क्योंकि हमने देखा है अपने बच्चों को ना हमारे घर परिवार में कैसा होता है। तो दीदी को भी काफ़ी अच्छा लगता है, वही सब है एंड बस काफ़ी हमने बहुत इंजॉय किया। तो बस अब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं फोटोशूट थोड़ा बहुत, और उद्भव भी बिल्कुल नहीं मान रहे थे क्योंकि ऐसे करते हैं बच्चे, जब इनका खाना खिलाने का जब दिन होता है तो वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, परेशान करते हैं क्योंकि बारी बारी से सब लोग, और फिर नए कपड़े ना उनको परेशान करते हैं। और अभी यहाँ पे गिफ्ट खोल खोल के दिखाया जा रहा है भाई। आप लोग भी देख लीजिए, गाइज यहाँ पे 12:01 तो बज ही गए थे और इतने में हस्बैंड लोग भी आ गए, उन लोगों ने भी बच्चे को उसका मुंह जूठा कराया और फिर अपने लिए सब लोग बैठ गए यहाँ पे खीर वीर खाने के लिए। दीदी ने काफ़ी अच्छा से रोटी वगैरह सब बनाया था, बहुत मज़ा आया। तो अब लोग हम खाना भी अब हम लोग यहीं पे खाएंगे। हम दोनों मोटे हो गए हैं तो हम ऑब्वियसली फिलहाल हम खीर खा रहे हैं, बाकी का खाना हम खाएंगे। भाती बहुत टेस्टी बना रहा है खीर। आप कब खाओगे? मैं अभी खाऊंगा। आपने खाया क्या खीर? काम भी हो तो बाबू काम कर, भाई बहनों को सब की चाय पी जाओ। मैं
बैठ जाओ, बोलो इनको। दादी ए दादी, दादी अन जाओ, लाइ जाओ। वो दादी का हां गिलास उठा था ना, ये ना उठा, आ जाओ। दूसरा गिलास ना दादी, दरखन तो फ्रेंड्स खाना भी यहाँ पे लग चुका है, देख सकते हैं। मतलब नहीं नहीं बोलते बोलते भी इतने सारे आइटम बन गए यहाँ पे। तो हमने सोचा चलो आप वेजिटेरियन खाते हैं प्रॉपर खाना, क्योंकि रात को तो फिर पार्टी है ही। तो रात को भी इतने कोई गेस्ट नहीं है, मैं हूँ, दीपशिका दीदी है, मेन हम लोग ही हैं, और इतना कोई गेस्ट नहीं है। एक और बहनी है वो पड़ोस की, वो भी आएंगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे उद्भवी अब नए कपड़ों में काफ़ी रिलैक्स कर रही है, क्योंकि ये वाला ड्रेस उसको काफ़ी कंफर्टेबल है। सो गाइज हम लोग रेडी है अभी शाम के टाइम में पार्टी में जाने के लिए। पार्टी मतलब भारती दीदी ने डिनर रखा हुआ है, तो उसके लिए हम लोगों को इनवाइट किया है। तो वो बाहर कहीं पर है, तो मतलब है तो कैंट के एरिया के अंदर ही। मेरे बाल को क्या हो गया? कैंट एरिया के अंदर ही। तो कहाँ पर है मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, विराज को पहले सारा कुछ खबर रहता है। तो प्रत्युष ऐसे रेडी है, विराज भी है, और मैंने पहना है ब्लैक कलर का सूट। पहले मैंने गाउन पहना था, मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई, वो बहुत टाइट हो गया था, तो फिर राहुल को भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने चेंज कर दिया वो। तो चलिए मिलते हैं वहीं पर जाकर। तो गाइज हम लोगों का खाना पीना यहाँ पे शुरू हो गया था, और डांस वांस हम लोगों ने नहीं किया, क्योंकि हम लोग कम ही फैमिली थे। तो हम लोग डिनर के लिए ही आए थे आउट में। तो यही है, आप देख सकते हैं सब लोग बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा मैंने शूट भी नहीं किया, क्योंकि दिन से शूट करते करते फिर मैंने बोला चलो थोड़ा सा ही शूट करते हैं। और यही सब है, सब लोग हस्बैंड लोग भी हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। एंड उसके बाद फिर मैंने ये वाला वीडियो जो है एक दिन के गैप के बाद शूट करा, क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिला। दीदी का खाना पीना खिलाने का सिस्टम हम लोगों का चलता रहा, तो वही है। अभी यहाँ पे उद्भवी जो है रेडी हो गई है जाने के लिए। ये एक दो दिन के बाद का वीडियो शूट करा है मैंने, दीदी का जाने का टाइम भी आ गया। इतनी जल्दी हमारा 2-2.5 साल कब बीत गया पता ही नहीं चला, और बहुत अब बुरा लगेगा। जाते टाइम हमेशा ऐसे ही होता है, बुरा लगता है, घर पूरा खाली हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। और जब आते हैं तो हम कितने अच्छे से इसको सजाते हैं, एक एक चीज़ बहुत प्यार से रखते हैं। और दीदी तो और भी ज़्यादा इंटरेस्ट थी सजाने वजाने में ना, तो आप लोगों ने पहले भी दीदी का कमरा देखा ही होगा। अब पूरा घर खाली हो गया है, बहुत बुरा लग रहा है यहाँ पर। और मैं दीदी को बहुत मिस करूँगी, मैं, दीपशिखा दीदी, हम लोग सब मिस करेंगे दीदी को। और बस, और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ यहाँ पे वीडियो वॉइस ओवर डालते टाइम। बस वही है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वार्टर का जो एरिया होता है उसको छोड़ के जाने में भी इतना बुरा लगता है ना। घर जैसे ही मतलब आता है लगता है कि हम अपना एक घर छोड़ के जो है जा रहे हैं। तो अब आगे से आपको भारती दीदी जो है वो बहुत इमोशनल हो गई, देख सकते हैं। अब आगे से भारती दीदी मेरी वीडियो में आप लोगों को नहीं दिखेंगी। हाँ छुट्टी में जब मैं देहरादून जाऊंगी तब वो पक्का दिखेंगी। अगर मैं उनके यहाँ मिलने जाऊंगी तो मैं पक्का शूट करूंगी उनके साथ। तो बहुत इमोशनल मोमेंट है ये, हम लोगों ने बहुत अपने आप को संभाला है। हमें दीपशिका दीदी को उद्भवी का बहुत ज़्यादा प्यार लग रहा था, मुझे भी लगता है उसका प्यार, पर मेरा ज़्यादा अटैचमेंट दीदी के साथ है। सो वही है। ठीक है गाइज, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिए, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें आपको भारती दीदी नहीं दिखेंगी। एंड यही है, अभी मैं इमोशनल हो रही हूँ, आप लोग मोमेंट देख लीजिए, इन्जॉय कीजिए।